पब्लिक टीवी आपकी आवाज। पुलवामा में शहीद हुए आतंकी हमले के बाद देश के लिए शहीद हुए सैनिकों का दुख देश के लोगों में साफ नजर आ रहा है। इसी कड़ी में मुरादाबाद की जनता का दिल भी शहीदों को याद कर रो रहा है। सभी ने नम आंखों से शहर के गणमान्य लोगों ने श्रद्धांजलि दी, तो वहीं पाकिस्तान के कायराना हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने की मांग भी सरकार से की गई। आइए जानते हैं मुरादाबाद शहर के गणमान्य लोगों का दर्द किस तरह बयां हुआ। पुलवामा अटैक जो है एक बहुत ही घिनौना और बहुत ही ख़राब तरीके का ये अटैक है और इसकी मैं एकदम निंदा करता हूँ और देश की अखंडता के लिए और देश की सुरक्षा के लिए एक ये बहुत गलत चीज़ हुई है। जवान जो शहीद हुए हैं वो उनको सरकार उनके परिवारों को उनके परिजनों को पूरी तरीके से मदद करे, उनके परिवारों में नौकरियां दे और उनके परिवारों को जितनी यथासंभव सहायता हो सकती है वो सरकार को करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपना बलिदान दिया है देश की सुरक्षा के लिए। मुझे लगता है कि इसका एक प्रॉपर तरीके से एक निदान निकलना इसका वो निकलना चाहिए, समाधान निकलना चाहिए और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए ताकि भविष्य में वो इस तरह की हरकत करने की कोशिश ना करें। हमारे देश के जो जवानों का बलिदान हुआ है वो तो बलिदान तो उनका है, लेकिन आगे से मैं चाहता हूँ कि इस तरह की कोई भी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, ताकि हमारे जवानों को और अपनी जान न देनी पड़े और उनका कोई हानि ना हो, क्षति ना हो, और इसके लिए जो भी संभव होगा हम सब नागरिकों का भी कर्तव्य है, हम लोगों को उनकी मदद करनी चाहिए।